तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की लेटेस्ट मॉडल TVS की जानी मानी बाइक, जो कि है TVS के अपाची RTR 162A, जो कि है मेरे पास रेड कलर है। तो गाइस, आज इसके जुड़े में बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या इसकी प्राइस देखने को मिलने वाली है 2024 में, क्योंकि इस बाइक की जो कीमत है ना 2024 में पहले से फिर से बढ़ चुकी है। तो गाइस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे डिटेल में, इसके फीचर्सफिकेशन के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके एक्सम प्राइस के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोग भी 2024 में RTR 162V लेने वाले हैं रेड कलर के साथ, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, वीडियो चले गए मैं तो चले गए, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चले गए, शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि RTR 162V में आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ये इसका रेड कलर है। इसके अलावा इसमें आपको चार कलर और मिलते हैं, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू कलर। तो ये जो रेड कलर है ना, उन लोगों को ज्यादा पसंद आने वाले हैं जिसे आई कैचिंग कलर पसंद है, थोड़ा सा मतलब डार्क कलर पसंद है, उनको ये कलर काफी अच्छा लगने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें कि ये डुअल डिस्क मॉडल है, तो इसका जो एक्सम प्राइस है ना, वो है 1,23,920 रुपीज एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर आप लोग डाउन पेमेंट की बात करते हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग डाउन पेमेंट है ना, वो है 11,999 रुपए। और अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो अब इसकी जो कीमत है ना, पहले से लगभग 5,000 से 6,000 रुपए बढ़ चुकी है 2024 में। तो गाइज, अब इसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1,53,000 रुपए ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की। तो गाइज, ये रहा इसका प्राइस। अब बात करते हैं फीचर्सफिकेशन के बारे में कि इसमें फीचर्स चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो फ्रंट में आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जो फ्रंट लुक मिलेगा ना, वही सेम आपको ब्लैक कलर का वाइजर, यहाँ पे आपको TVS की बैचिंग, टर्न इंडिकेटर आपको वही LED नहीं मिलता है, गौर करिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें कम मिलती है, हेडलाइट लाइट भी देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे LED DRLs जो कि i7 में मिलता है, LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पहले वाली देखने को मिल रही है। तो गाइस, फ्रंट सेक्शन में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब इसमें LED टर्न इंडिकेटर मिल जाए, प्लस इसमें आपको हेडलाइट लाइट मिल जाती, क्योंकि बहुत सारी बाइकें हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अब क्या कहते हैं, अपनी सभी बाइकों में क्या कहते हैं, हेडलाइट लाइट देखने को दे रही हैं। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रंट फेंडर जो मिलता है आपको रेड कलर मिलती है, यहाँ पे आपको ग्रे एंड रेड कलर में ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखेंगे सुपर मोटो ABS की बैचिंग मिल जाती है। जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में आपको मिलता है 270mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि पेटल डिस्क ब्रेक मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ABS की चेन लगाएगी, फ्रंट टायर जो मिलेगा वो मिलता है 90/90 का 70 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है अलाविल के साथ। तो गाइस, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो टायर साइज है, वही सेम मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे ये जो रेड कलर है ना, ये काफी प्यारा लगता है देखने में। और इसका जो साइड प्रोफाइल है ना, वही सेम आपको पहले वाली देखने को मिल जाती है। और जो अपाची RTR 162V के लवर है ना, उनको यही डिजाइन अच्छा लगता है, तो डिजाइन में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। और हैंडल बार पे आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर, हॉर्न स्विच मिल जाता है, साइड मिरर आपको वही पहले वाला मिलता है। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच, राइडिंग मोड स्विच, सेल्फी स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो मीटर कंसोल जो है वही सेम मिलता है, क्लियर हो जाएगा कि मीटर कंसोल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ये स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम मॉडल नहीं है, ये बेस मॉडल है, तो इसमें आपको मीटर कंसोल में आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन अभी इग्निशन ऑन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैटरी कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे हैंडल बार जो मिलता है आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे RTR 160 का आपको बैचिंग मिल जाती है, 820 का स्टिकर, 9082 का आपको बैचिंग देखने मिल जाती है। दोनों साइड में आपको फ्यूल टैंक का काउल मिल जाता है, हॉर्स का 3D लोगो मिल जाता है, काफी अच्छी ग्राफिक देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलती है ना, वॉक मिलती है 12 लीटर की। और अगर हम आते हैं इस बाइक के इंजन के ऊपर, तो गाइस आपको बता दें कि इस बाइक का जो इंजन है ना, वही सेम मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे RTFI यानी कि रेस ट्यून फ्यूल इंजन टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है। इंजन की बात करते हैं, तो इसमें आपको जो इंजन मिलेगा ना, वॉक मिलता है 159.7 cc का SI4 स्टॉक एयर कूल BS6 फेज टू इंजन मिल जाता है, जो कि आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आती है। मैक्स पावर की बात करते हैं, तो स्पोर्ट मोड में आपको मिलेगा 16.04 PS का 8750 RPM पे, रेन एंड अर्बन मोड में आपको मिलेगा 13.32 PS का 8000 RPM पे। और इसका जो टॉर्क मिलेगा, वॉक मिलता है स्पोर्ट मोड में 13.85 Nm का 7000 RPM पे, अर्बन एंड रेन मोड में आपको मिलेगा 12.7 Nm का 6500 RPM पे। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी देखने मिल जाती है, 2 वाल्व इंजन देखने मिलेगा, एयर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे इंजन काउल लगाया गया, जिसके ऊपर आपको TVS रेसिंग की बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो गाइस इंजन जो है ना, वही सेम देखने को मिलती है। साइड में आप देख सकते हैं अपाची की बैचिंग मिल जाती है। सीट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो सीट मिलेगा ना, आपको वही सेम आपको सीट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रेचिंग मिल जाती है। तो जो सीट है ना, थोड़ा सा स्पोर्टी मिलता है, लेकिन हाँ, इसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, सिंगल सीट देखने को मिल जाती है। स्प्लिट कहते हैं पिलन कैबिन मिल जाती है ब्लैक कलर में, यहाँ पे आपको RTR 160 की बैचिंग। और यहाँ पे देखेंगे बिग का सस्पेंशन देखने को मिलता है, पिलन फुटेज काफी अच्छा मिलता है एल्युमिनियम का, यहाँ पे लेडी फुटेज, सारी गार्ड, हाफ कवर चैन देखने को मिल रही है। और अगर हम आते हैं इसके रियर टेल लाइट से, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे जो रियर टेल लाइट मिलता है ना, कुछ इस टाइप मिल जाता है, टेल लाइट में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। रियर सेक्शन की बात करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रियर में आपको जो सस्पेंस
सस्पेंशन मिलता है, वॉक मिलता है, मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक विद स्प्रिंग एडेड सस्पेंशन मिलता है, जो कि आपको मिक का सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिल रहा है, 2 mm का पेट्रोल डिस्क ब्रेक मिल जाती है विद, यहाँ पे देखेंगे तो एबीएस चैनल देखेंगे सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है। और जो रियर टायर मिलेगा वॉक मिलता है 120/17 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है अलावल के साथ। और यहाँ पे देखेंगे कवर देखने मिल जाता है एल्युमिनियम का, जिसके ऊपर आप देखेंगे आरटीआर की बैचिंग देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग के इसमें किक देखने को नहीं मिलता, आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर्सफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो हाइट मिलेगा वॉक मिलता है 1105 mm का, लेंथ जो मिलेगा वॉक मिलता है 2085 mm का, विड्थ जो मिलेगा वॉक मिलता है 730 mm का, व्हील बेस जो मिलेगा वॉक मिलता है 1300 mm का, ग्राउंड का जो मिलेगा वॉक मिलता है 180 mm का, और इसका जो देखते हैं सीट हाइट है वो है 790 mm का। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर्सफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग बताना कि अपाची आरटीआर 162V का जो रेड कलर है आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को बाइक अच्छी लग रही है, ये वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर आप लोग अपाची आरटीआर 160 के लवर हैं तो आप लोग अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट हो कोई सवाल करना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपने हल्का दैनिक हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।